पांच साल तक सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। तो इसलिए जो कई डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर अर्ली हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी हियरिंग चेक की जाती है, अगर कोई हियरिंग लॉस निकलता है तो एकदम कार्रवाई की जाती है। अब हमारे देश में भी ये जागरूकता बढ़ रही है, पर अभी तक कोई ऐसा सरकार का प्रोग्राम नहीं है। फिर भी हम लोग जो क्लिनिशियन हैं या फैमिलीज में जहाँ लगता है कि बच्चा एक साल तक बच्चे को एक शब्द बोलना चाहिए, जहाँ बच्चा ये नहीं कर रहा है या आप कुछ बोल रहे हैं आपकी तरफ देख नहीं रहा है जवाब नहीं दे रहा है, तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और किसी भी ENT डिपार्टमेंट्स कान नाक गला विभाग में इसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, इनकी जांच बेरा या OAE से की जाती है। और जिन बच्चों में ये पाया जाता है कि सुनाई नहीं है और बिल्कुल सुनाई नहीं है, आज साइंस की तरक्की ने ये संभव किया है कि इनको एक यंत्र लगाया जाए जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के माध्यम से जो कान का अंदरूनी हिस्सा है जिसे इनर ईयर कहते हैं, उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेशन की जाती है और ये करंट नर्व के थ्रू ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और जब बच्चे को साउंड जाता है और ये जो यंत्र है ये सक्सेसफुली लगाया जाता है, उसके बाद इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है बोलने की। वो इस चीज़ का दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ सर्जरी करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट जो और पेरेंट्स को सिखाया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है और धीरे धीरे ये बच्चे बोलना सीखते हैं।